ये पहले चावल को जो है ना खुद टेस्ट करते हैं कि यार चावल कैसे बन रहा है। ये देख लीजिए चावल, माशाल्लाह इतने मोटे मोटे चावल हैं। चावलों के रेट भी आपको भी बता देते हैं कि ठीक है। ये शार्ट ग्रीन है, ये शार्ट ग्रीन है। अच्छा जी, ये भी सारे वैरायटी आप बताओगे, सारों का रेट भी बताओगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं 22 फरवरी 2024 को अलफरीद राइस ट्रेडर्स पे आया हूँ क्योंकि रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है। तो आप लोगों के मशवरे के मुताबिक मैं काम करता हूँ, तो भाइयों ने कहा कि आप हमें, मैं इसका नंबर भी दूंगा, ठीक है, कि चावल का रेट बताएं क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा होता है रमज़ान मुबारक में। इनके पास कई अकसाम के चावल हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वराइटीज़ हैं, तो उसका रेट बता देता हूँ आपको। तो अंदर चलते हैं क्योंकि ये जब खुद चावल मंगवाते हैं तो ये पहले खुद टेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये कि इसको ट्राई कर लेते हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं, ये इन्होंने उबाल के रख दिए, अभी मेरे सामने इन्होंने उबाले, ठीक है, तो ताकि चावल का रिज़ल्ट बेहतर हो और कस्टमर सेटिस्फाइड हो, ऐसा ना हो। ये ज़बरदस्त चावल है, ये तो सेवियाँ जितनी ये कौन से चावल है? ये कायनात 1121 है। कायनात 1121। और ये मन किस तरह है? ये मन है अपना 11,800 रुपए का। ये तकरीबन पर केजी किस तरह पड़ता है? पर केजी 290 रुपए। 290 रुपए, ठीक है। और ये वाले? ये वाले सुपर फाइन सेला है। सुपर फाइन सेला, इसका क्या रेट है? इसका रेट है 240 रुपए किलो। 240 रुपए किलो। और माशाल्लाह स्टॉक भी बड़ा जबरदस्त लगा है। सारे वराइटीज है आपके पास? सारी वराइटीज। अच्छा, ये आपने सैंपल के तौर पर रखे है सारे। अच्छा, हमें भी बताया ताकि नाज़रीन को भी पता चले कि आपके पास कौन कौन से चावल हैं। अगर आप ज़रा बाहर तशरीफ़ लाए, क्योंकि आपके पास बाहर है ना, तो इसलिए ज़रा एक एक का सैंपल का बताएं आप हमें ना, तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा जी, ये बताएं कौन कौन से, आप खुद शुरू करें जहाँ से शुरू करना चाहते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे पहले टोटा चावल है मेरे ख्याल में। सबसे पहले ये टोटा चावल है। अच्छा, इसका क्या रेट है? इसका रेट है 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो, ठीक हो गया। और ये वाला? ये वाला एक ही है, सैंपल दोनों एक ही है। अच्छा जी, अपना नंबर भी बताया ज़रा, अगर 0300 पूरा 0300 84 23 84 23 911 911, ठीक हो गया। अब ये कौन सा चावल है? ये सीला है। ये दोनों एक ही चीज़ है? नहीं नहीं, ये और ये एक ही चीज़ है। ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका क्या रेट है? इसका रेट है 295 रुपया पुराना सीला। अच्छा, पुराना सीला 295 रुपया पर के जी? पर के जी। अच्छा जी, और ये वाला? ये इसको रिजेक्शन बोलते हैं, रिजेक्शन। अच्छा, रिजेक्शन बोलते हैं, रिजेक्शन, सेले की रिजेक्शन। अच्छा, सेले की रिजेक्टेड माल है। इसका क्या रेट है? रिजेक्टेड नहीं होता, ये रिजेक्शन होती है। अच्छा, रिजेक्शन, सेले का दागी होता है। अच्छा, दागी माल होता है। इसका क्या रेट है? इसका रेट है अपना 260 रुपए। 260 रुपए किलो। और ये दोनों एक ही चीज है? नहीं नहीं, ये दागी है, ये दागी का दागी है। अच्छा, बासमती का दागी। इसका क्या रेट है? इसका 270 रुपए। 270 रुपया पर के जी, ठीक हो गया। और साथ ये भी है? ये भी है। अच्छा, ये माल है, ये माल है। इसका क्या रेट है? वाला माल है। आपका अपना ब्रांड है ये? ये और ये हमारा अपना ब्रांड है। अच्छा, ये दोनों आपका अपना ब्रांड है। इस ब्रांड का नाम क्या है? इस ब्रांड का नाम है लज्जत सेला 11। लज्जत 11 21। ये जो अंदर आपने उबाल के रखा था, ये वही चीज है? वही चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये इसका ब्रांड है, वो इसका, वो सेले में। अच्छा, इस सेले में ये स्टीम कायनात है, ठीक हो गया। ये एक ही चीज़ है? नहीं नहीं। अच्छा, ये हमारे पास है RR1509 है। RR1509। और कौन सा चावल है? ये 1121। 11। इसका क्या रेट है? इसका रेट है 280 रुपये किलो। 280 रुपये किलो। और यार असल में ये ना हमारे देखने वाले होते हैं ना, उनको 5 किलो 6 किलो चाहिए, तो आप 5-6 किलो भी इसी रेट पर दोगे? इसी रेट पर। अच्छा, इसी रेट पर दोगे। ये कौन से चावल है? ये भी वो, ये 11 की जो अंदर उबाले हुए। अच्छा, ये जो अंदर उबाले हुए, ठीक है, इसका रेट तो आपने बता दिया। और ये वाले चावल? ये वाले वो ये। अच्छा, ये की चीज़ है, ठीक है ठीक है, आप फोन पर बात कर ले, फिर कर लेते। अच्छा चलो, और ये कौन से चावल है? जिसे 11 की है, ये भी ब्रांड वाले हैं। अच्छा, ये भी आपका अपना ब्रांड है? हमारा अपना ब्रांड। और इसका रेट क्या है? इसका रेट है वो 295 रुपए किलो। 295 रुपए किलो। और ये वाले? ये वाले हैं सुपर फाइन। सुपर फाइन, इसका क्या रेट है? ये सुपर फैन स्टीम है, इसका रेट है 240 रुपए किलो। 240 रुपए किलो, ठीक हो गया। और ये वाले? ये सेले की शार्ट ग्रीन है। शार्ट ग्रीन, अच्छा, सेले की। इसका क्या रेट है? इसका रेट है अपना 200 रुपया किलो। 200 रुपया पर मन के हिसाब से 8000 रुपये। 8000, ठीक होगा। ये साथ जो है इसमें, इसका क्या रेट है? शार्ट ग्रीन है, ये शार्ट ग्रीन है। ये भी शार्ट ग्रीन है? ये शार्ट ग्रीन है, ये स्टीम की शार्ट ग्रीन है। स्टीम की शार्ट ग्रीन है। इसका क्या रेट है? शार्ट ग्रीन है, इसका रेट है 260 रुपये किलो। 260 रुपये किलो। ये अलफरीद राइस ट्रेडर्स, अगर फिर भी किसी को नंबर याद ना हो तो सारे नंबर यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, और ये क्या रेट है?
ये भी 295 रुपए किलो ब्रांड वाला। अच्छा ब्रांड वाला 200 आपका अपना है, ठीक है। और ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है जो बाली हुई है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा और आपके पास दाल वगैरह भी है और ये चावल सारों का रेट बताया या इसमें कुछ रह जाता है? नहीं नहीं, सारों का रेट बताया, सारों का रेट बताया। अच्छा फिर बाकी ये लोबिया, लोबिया क्या रेट है? छोटा सा है ना, छोटा सा है। इसका क्या रेट? 350 रुपए किलो। ये 350 रुपए। अच्छा युगेंडा का है? अच्छा चना भी है, दाल माश। अच्छा और मोटा चना क्या रेट है? मोटा चना है 370 रुपया। और सबसे सस्ता चावल कौन सा है? सबसे सस्ता चावल हमारे पास जो है ना टोटे में आ जाता है, टोटे में आ जाता है, टोटे में आ जाता है। ये क्या रेट है? ये है अपना 160 रुपये। 160 रुपये, इससे सस्ता नहीं है? इससे सस्ता। अच्छा और ये दाल चना क्या रेट है? दाल चना 225 रुपये। 225। और दाल माश 510 रुपये। 510 रुपये किलो हो गया। और ये मूंग है? ये दाल मूंगी है। अच्छा क्या क्या रेट है इसका? अपना 260 रुपये। मसर 300 रुपया पर केजी है। ठीक हो गया, शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया तावन करने का। और माशाल्लाह अच्छा तावन किया आप लोगों ने। अच्छा माशाल्लाह, चार गोदाम नीचे भी उनकी। और ये रेट जो है ना, क्या रमजान मुबारक में बढ़ेगा या यही होगा? नहीं नहीं, रमजान मुबारक को हम लोग पैकेज देंगे, पैकेज दोगे इंशाल्लाह, इससे कम रेट दोगे? इससे कम रेट देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मतलब ये कोई शिकायत तो नहीं आएगी ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह गोदाम तो बिल्कुल फुल है और नीचे चार गोदाम इसके नीचे भी है। माशाल्लाह चावल के गोदाम देख लीजिए, ये देख रहे कई अकसाब के चावल हैं। दूसरी शादी करूंगा तो फिर यहाँ से चावल ख़रीदूंगा, लेकिन दूसरी शादी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये मैं से मजाक कर रहा हूँ, दूसरी शादी मैं नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले शादी से बहुत खुश हूँ।